जयपुर में सरेआम बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर विजेंद्र सिंह गुलाब पर जानलेवा हमला किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुरी तरह मारपीट के कारण मृतक के पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, वहीं उसके सिर पर भी कई जगह चोट के निशान पाए गए। घटना जयपुर के बैनार मोड़ की बताई जा रही है। हथियार से लैस होकर आए बदमाशों ने सबसे पहले कारोबारी की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान मौके पर कुछ लोग मौजूद भी थे, लेकिन वो लोग इस कदर दहशत में आ गए कि वो लोग बदमाशों को रोक तक नहीं पाए। हालांकि मामले में एसीपी प्रमोद स्वामी ने जानकारी भी दी है। शाम को विजेंद्र सिंह के बारे में मालूम चला कि झगड़ा हुआ है, निर्मल कॉलोनी जाइन का घर आस पास बोलेरो और एक कैंपर में 5-6 आदमी थे जिन्होंने साथ मारपीट करी है। जानकारी मिली है कि कारोबारी का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और इस कारण ही उस पर हमला हुआ। हालांकि ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।